इस वीडियो में देखेंगे कैसे फॉरेक्स ब्रोकर मैनिपुलेट करते हैं और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू स्टेप ट्रेडर्स। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं डिफरेंट चार्ट्स को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे फॉरेक्स के टॉप लेवल के ब्रोकर तक भी लिक्विडिटी हंट करते हैं और आप लोगों का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। इससे पहले हमने काफी वीडियो में ऑक्टाफिक्स के बारे में बताया कि किस तरह से ऑक्टाफिक्स आपके स्टॉप लॉस हिट करता है, कैसे आपको ट्रेड से आउट कराता है। इवन तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, वहां तक मार्केट आया ही नहीं, तब भी वो आपको स्टॉप लॉस हिंट कराएगा और वापस आपके डायरेक्शन में आ जाएगा। हमने पहले ऑक्टाफिक्स पे इस तरह की वीडियो बना रखी है किस तरह से वो करता है। अब इस वीडियो में हम ऑक्टाफिक्स से अलग बाकी ब्रोकर के बारे में बताएंगे जो टॉप लेवल का है। ऑक्टाफिक्स से 10 गुना बड़ा ब्रोकर है, उसके बारे में बताएंगे। अब स्क्रीन पर चल के एग्जांपल के साथ कैसे उस ब्रोकर ने सारी लिक्विडिटी हंट करी गोल्ड में, कैसे हजार लाखों लोगों का उसने स्टॉप लॉस हंट करा इवन दो मार्केट वहां तक गया भी नहीं। तो अब स्क्रीन पर चलेंगे, ट्रेडिंग भी बताएंगे और क्या उसमें डिफरेंस है, कैसे आपको इस सब चीजों से बचना है। सो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो स्टेप ट्रेडर्स को, बेल आइकन प्रेस कर दो क्योंकि हमें मोटिवेट करता है और आपको यहाँ पे मिलेगी सारी अपडेट सबसे पहले। अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे देखोगे गोल्ड का मैंने पेयर खोल रखा है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये ऑन द ब्रोकर है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पे कुछ भी लिखते हो, सपोज करो आपने यूरो यूएसडी लिखा अगर, तो यूरो यूएसडी लिखने के बाद में इतने सारे नीचे यूरो यूएसडी लिखे हुए आ जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि इसमें से कौन सा आप चूज करें, क्या डिफरेंस है, क्या सब सेम है अलग है? अगर आपने सोचा है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये चीज पता है कि इनमें क्या डिफरेंस है या नहीं, मुझे प्लीज नीचे अभी कमेंट करके बताइए। और इन सब में ये डिफरेंस होता है कि सारी कोटेशन अलग अलग ब्रोकर की होती है। अगर आप इनके यहाँ पर राइट साइड में देखोगे तो ये देखो ये वाली कोटेशन, ये वाला हमारा FXCM का, ये ऑनडा का, ये Forex.com का, ये पेपर स्टोन का, ये 8Cap का, ये Capital.com का, इस तरह सारे टॉप लेवल के फॉरेक्स के लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं जिनकी यहाँ पे कोटेशंस प्राइस आपको मिलता है। आप अगर ऑक्टाफिक्स पे ट्रेड करोगे या XNX पे या XM पे, कहीं पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो ये प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है हमेशा आपको। बट कभी कभी ये ब्रोकर भी किस तरह से स्कैम करते हैं वो देखते हैं। तो देखो ऑनडा एक बहुत बड़े लेवल का ब्रोकर है, अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो तो ऑनडा बहुत टॉप लेवल का ब्रोकर है और कैसे उसने मार्केट मैनिपुलेशन करा है। अभी देखो हम यहाँ पे गोल्ड पे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑनडा के चार्ट पे, ठीक है। हम जिस भी ब्रोकर पे आएंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अभी हम आगे चल के दिखाएंगे वो। देखो प्राइस नॉर्मल चल रहा है गोल्ड का 5 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे जस्ट रेंज हो रहा है छोटा सा और ये देखो रात को 12 बजे क्या हुआ, 3 दिन पहले 30 तारीख को रात को 12 बजे इतना ऊपर गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स 26 पॉइंट्स ऊपर गया और एकदम से नीचे, 1 मिनट में ऊपर दूसरे मिनट में नीचे। यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी, जितने भी सेलर्स थे, उन सेलर्स ने कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया होगा अपने यहाँ 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 कहीं लगाया होगा और उस सारे स्टॉप लॉस उसने हिंट कर दिया और वापस नीचे आ गया। देखो यहाँ पे जितने भी देर मार्केट ने यहाँ पे रेंज करा, इस रेंजिंग के टाइम पे यहाँ पे 3-4 दिन तक जो भी रेंज हुआ, इस रेंज पे काफी सारे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई और ऊपर गया 1 सेकंड में ब्रोकर, उसने सारे लिक्विडिटी हंट करी और नीचे आ गया। इसे बोलते हैं हम बी बुक्ड ब्रोकर। इस तरह के मतलब जो हरकतें करते हैं, बी बुक क्या होता है कि ब्रोकर आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं करता, लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक वो खुद ही अपने सिस्टम पे रखता है और आपके अपोजिट काउंटर ट्रेंड एक ट्रेड ओपन कर लेता है। वो बी बुक्ड ब्रोकर जो भी होते हैं वहां पे आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो, इस तरह से ब्रोकर से आपको बच के रहना है। फिर चाहे वो ऑक्टाफिक्स हो, ऑनडा हो या मार्केट में छोटे मोटे लेवल, जितने छोटे मोटे लेवल के जितने भी ब्रोकर हो, सब इसी तरह से बी बुक्ड ब्रोकर हैं। वो कोई भी आपके ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता अल्टीमेटली आप एक ना एक दिन लॉस करोगे, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही घुमाते हैं। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा नहीं, वो वीडियो के अभी हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे देखना है और आपको कैसे इन सब ब्रोकर से बच के रहना है क्योंकि इस तरह से आपको स्टॉप लॉस फालतू में हंट होते हैं। और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ ऑक्टाफिक्स पे भी पहले हुआ होगा, अगर हुआ है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो देखो अगर हम इसकी जगह 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उस पर आपने और अच्छे से देखना किस तरह से मार्केट जस्ट यहाँ पे देखो बहुत छोटे छोटे रेंज कर रहा है और रात को 12 बजे इतना वॉल्यूम नहीं होता है। अगर आप लोग ट्रेड करते हो गोल्ड में या काफी टाइम से ट्रेडिंग पे हो तो आप देखोगे सिर्फ ना के बराबर एक आधे पॉइंट का ही मूवमेंट है, एक पॉइंट का ही मूवमेंट नहीं आ रहा है और उस टाइम पे एकदम से 26-27 पॉइंट का मूवमेंट आना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 26.47 मतलब 26-27 पॉइंट का एकदम मार्केट ऊपर गया 1 सेकंड में नीचे, सारे लिक्विडिटी हंट, आपने चाहे कहीं भी स्टॉप लॉस लगा लिया हो
सो हंट हो जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वहां पे आपका पूरा अकाउंट वॉश भी हो सकता है, $100 का हो, 500 का हो, 1000 का हो। तो इसलिए कहते हैं स्टॉप लॉस काफी जरूरी है मार्केट में। बिना स्टॉप लॉस का अगर आप काम करोगे, जितने भी लोगों ने यहाँ बिना स्टॉप लॉस का अपने ट्रेड ओपन कर जो कि सेल की, उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, चाहे यहाँ लगाया हो, यहाँ यहाँ कहीं भी हो, सब हिट हो गया होगा। सो इसलिए स्टॉप लॉस इज वेरी मैंडेटरी इन ट्रेडिंग, आइदर इन फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स, कुछ भी हो मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह से ब्रोकर से बच के रहिए। चलो हम इसके जगह हम कोई और ब्रोकर लेते हैं, एक्सचेंज यूएसडी। ये देखो हमारा ऑन डे पे था। हम नेक्स्ट चार्ट खोलते हैं forex.com का। वो हमारा कब का था? 30 तारीख को रात को 12 बजे, ठीक है? अब हम उसी टाइम पे चलते हैं। चलो 30 तारीख को रात को हम आते हैं, लगभग लगभग यहाँ पे 12 बजे। ओके, ये हमारा चार्ट है इस तरह का। सी यहाँ पे जो हमारा प्राइस रेंज कर रहा था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम राइट में आते हैं, देखते हैं 1960 पे, ठीक है? 1960 पे हमारा forex.com पे। एक और ब्रोकर लेते हैं कोई, XAUSD। हम इसके अलावा लेते हैं चलो 8 कैप। 8 कैप काफी बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। सो हम यहाँ पे भी आते हैं, 1960 पे ही हम आएंगे 30 तारीख को रात को। हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। ओके, सो लगभग लगभग आप देखोगे 1960 के आसपास ही यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, ठीक है? 30 तारीख को देखो, मैं नीचे नीचे मार्क करते हैं 30 तारीख को रात को। अगर हम इसे और थोड़ा सा अगर हम इसे स्लाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1900 कितने पे आ रहा है हमारा, 659.60 पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक आधे पॉइंट्स का डिफरेंस है, डेट इज फाइन। और अब लेते हैं हम XAUSD बी बुक ब्रोकर ऑन डा पे। आई एम नॉट सेइंग कि ऑन डा गंदा ब्रोकर है या फिर ऑन डा आप चूज नहीं कर सकते, बट आई एम शोइंग यू किस तरह से फॉरेक्स ब्रोकर मैनिपुलेशन करते हैं, आपके ट्रेड्स में लिक्विडिटी हंट करते हैं, और कैसे आपको उन सबसे बच के रहना है। यू कांट ट्रस्ट एनी ब्रोकर हेयर लाइक दिस, जिसमें आप डायरेक्टली ना पता हो कि कैसे वो काम करता है। देखो 30 तारीख को रात को 12 बजे एग्जैक्ट, जहां सिर्फ सब ब्रोकर 1960 के आसपास थे, ये 1940 के आसपास गया और इसने एकदम से लिक्विडिटी हंट करी इतनी बड़ी। तो आपको इन सब चीज से बच के रहना है, उसके लिए आपको चेक करना है अच्छा ब्रोकर जो ऐसे ना करे, जिसका सीरियसली लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, और जहां पे अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं, आपका लिक्विडिटी हंट हो भी जाती है, मार्केट करता है, तो आपको वहां पे आपका फंड वापस मिले। क्यों? आपकी गलती नहीं है, ठीक है? ब्रोकर ने ऐसा कुछ नहीं करा, ब्रोकर ने करा है, मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा, ब्रोकर की वजह से आपका लॉस हुआ है, मार्केट की वजह से नहीं हुआ है। तो वहां पे अगर आपका फंड आपका लॉस हो गया तो आपको कैसे मिलेगा? तो वहां पे आपको अच्छे ब्रोकर देखने हैं, जैसे आप एक्सम चूज कर सकते हैं। एक्सम के बारे में हमेशा मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि ऐसी गलतियां कभी भी आपको एक्सम में नहीं मिलेंगी, ऐसी चीजें आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी एक्सम पे। बाकी ब्रोकर्स काफी है मार्केट में, आप कोई से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ऑनडा लेवल का, ऑनडा जैसा ब्रोकर अगर टॉप लेवल का इस तरह की चीजें कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। कल को आईसी मार्केट भी कर सकता है, हुगो से भी कर सकता है, इन्फिनॉक्स भी कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। बट अगर ऑनडा कर रहा है तो कोई भी कर सकता है, इसलिए आप वो ब्रोकर देख रहे हैं। कल को अगर कोई भी ब्रोकर करता है तो इवन दो आपका जो लॉस होगा आपको रिटर्न मिल जाए, आपको जो फंड लॉस हुआ है वो आपको किस तरह से वहां पे सेफ रहेगा। इसलिए इस तरह के ब्रोकर से बच कर रहिए हमेशा। इस तरह से स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। अगेन, अगर आप एक्सएम पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। रेस्ट इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना है। कभी ना कभी इस तरह के सब ब्रोकर दिखाते हैं, मैंने एक टाइम पे काफी ब्रोकर के साथ देखा है ये चीज। 2020 में यूएसडी जेपीवाई में काफी बड़ा मूवमेंट आया था इस टाइम, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 5-6 ब्रोकर ने, टॉप लेवल के ब्रोकर ने इस तरह की हरकतें करी थी। सो इट्स योर चॉइस कि आपको कहाँ से जाना है, किस ब्रोकर के साथ जाना है। किसी के भी साथ जाओ, पहले अच्छे से उसके बारे में देख लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, उसके बाद ही वहां पे आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपको इस तरह से लॉस हो तो आपको वहां पे फंड इजिली मिलेगा नहीं मिलेगा, सेफ है या नहीं, रेस्ट योर चॉइस। कि अगर आपको एक्सएम के साथ आना है, हमारे सपोर्ट में आना है, अकाउंट बनाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप एक्सएम में अकाउंट बना सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो, देन यू कैन जस्ट राइट अस ऑन टेलीग्राम steptraders_official, वहां पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको आता है रिगार्डिंग डिपॉजिट, विद्रॉल, ट्रेडिंग, कुछ भी आता है, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। हमारी टीम आपको बेस्ट हेल्प करेगी जो भी आपको इशू आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए और इस तरह के बी बुक ब्रोकर से बच के रहिए।